अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, वेलकम करता हूं आज की इस न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की न्यू आने वाले जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, अगर आप लोग भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप भी इन जॉब्स के रिलेटेड मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, तो आपने हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखना है और आपने हमारे इस वीडियो को आगे भी शेयर करना है, ताकि हमारे इस वीडियो से किसी और का भला हो जाए। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक ऑफिशियल एड है। मैं यहां पर आपको इसकी डिटेल बता देता हूं, इसमें कौन कौन सी असामियाँ हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास पहले नंबर पर ये जो पोस्ट है अकाउंटेंट की, इसके लिए टोटल एक असामिया है और इसमें जो उम्र की दरखी वो 43 साल होनी चाहिए और इसके लिए कम अज़ कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना लाजमी है और इसके लिए जो तलीमी काबिलियत रखी वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर हमारे पास ये जो पोस्ट है असिस्टेंट अकाउंटेंट की, इसके लिए टोटल एक असामी है और इसमें जो उम्र की रखी वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल होनी चाहिए। इसके लिए भी टोटल 2 साल का एक्सपीरियंस होना लाजमी है और इसमें तलीमी काबिलियत बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर हमारे पास ये जो पोस्ट है ऑफिस मैनेजर की, इसके लिए भी टोटल एक असामी है, इसमें जो उम्र की रखी वो ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल होनी चाहिए और इसके अलावा यहाँ पर इसमें जो तलीमी काबिलियत रखी वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास चौथे नंबर पर ये जो पोस्ट है रिसेप्शनिस्ट की, इसके लिए टोटल 2 असामी है और इसके अलावा यहाँ पर इसमें जो उम्र की रखी वो ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल होनी चाहिए। इसके लिए भी टोटल 2 साल का एक्सपीरियंस होना लाजमी है और इसमें तलीमी काबिलियत ग्रेजुएट होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की असामियाँ। और इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों, अगर आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 5 जुलाई 2019 है। और इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों, इसमें टेस्ट में आने वाले उम्मीदवारों को कोई TAD नहीं दिया जाएगा और इसके अलावा यहाँ पर इंटरव्यू के लिए सिर्फ मुंतखब उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों, अगर आप इन जॉब्स की मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, तो मैं आपको इस फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से जाकर इस फॉर्म को ईजिली रीड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि आपको इस तरह की जॉब्स के रिलेटेड वीडियोस डेली बेस पे मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।